मैं लगभग अभी 7 राज्यों में घूम चुकी हूँ पिछले 3 महीने में, और मुझे जो जिम्मेदारी दी गई थी वहाँ पे लोगों को हमने संपर्क किया, उनसे जुड़े, तो जो माहौल मैं देख रही हूँ उसमें कोई पार्टी विशेष चुनाव नहीं लड़ रही है। खासकर अगर मैं इंडिया अलायंस की बात करूँ तो इस बार को जो चुनाव है ये जनता बनाम बीजेपी हो गया है, और जनता का जो अपार समर्थन हमको मिल रहा है, ना वो वाली बात है कि ना जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, जो एक स्लोगन था कांग्रेस का, वो एक्चुअली आज दिखता दिख रहा है। लोग ना कैंडिडेट देख रहे हैं, ना और कोई चीज देख रहे हैं, पार्टी देख रहे हैं कि वहां पे आम आदमी पार्टी है या कांग्रेस है या कोई भी जो इंडिया गठबंधन का घटक दल है। आदमी इस बार देख रहा है कि उनको अब बीजेपी को शासन से हटाना है। जो 10 साल अन्यायकाल रहे हैं, जिस तरीके से अन्याय किया गया है आम जनता पे, उनको झूठ का सहारा देकर, झूठ बोल बोलकर, एक सच की एक ऐसी उम्मीद में रखा गया कि आने वाले दिन अच्छे होने वाले हैं, उसकी जगह उनकी दुर्गति हुई है। महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी है, और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हम जनता के बीच में गए और जनता ने हमें समर्थन दिया है, और हम देख रहे हैं कि जनता ही आने वाला फैसला तय करेगी। बिहार की बात करें, बिहार की राजनीति को आप भली भांति जानती हैं, वहां पर एनडीए की सरकार है। बिहार की राजनीति के बाद नीतीश यादव फिर से सरकार बनी, बीजेपी में आ गए, अभी जो माहौल है कि एक नारा दिया गया है कि इंडिया अलायंस है लेकिन चेहरा कोई नहीं है, तमाम एलिगेशन एक दूसरे जब राजनीतिक दल लगाते हैं, बिहार को लेकर क्या आपको लगा? देखिए, बिहार में भी पूरी तरीके से इंडिया अलायंस मजबूती से जमीन पर है। मैंने फिर से वो बात कहूंगी कि जनता का जिस तरह समर्थन में सोशल मीडिया, और मैं खुद भी वहां गई थी, मैंने देखा है जिस तरीके का समर्थन लोग दे रहे हैं, जनता इस बार बदलाव चाह रही है और जनता ये चुनाव लड़ रही है, चाहे कोई चेहरा हो नहीं हो। मैं वही कह रही हूँ कि कोई चेहरे पे वोट नहीं दे रहा है। सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर बनेगा कौन, पर अगर आपकी बनते प्रधानमंत्री, तो जब आप लोग देखेंगे 4 जून के जब नतीजे आएंगे, क्योंकि हमारे इंडिया अलायंस का एक प्रोग्राम था, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था, जिसके अंदर हमने किसी चेहरे को डिसाइड नहीं किया गया था, जो कि एक कांग्रेस की पुरानी नीति रही है। आपने देखा होगा जैसे मनमोहन सिंह जी भी एक चेहरा बने थे, ऐसे ही एक नया चेहरा बनाया जाएगा, और मैं पूरी उम्मीद रखती हूं कि ये जो आने वाला समय 4 जून के बाद होगा, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। पंजाब की बात करें और चंडीगढ़ की बात करें, यहां पर चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन साथ ही अगर 10 किलोमीटर बाद मोहाली जो पंजाब लगता है, वहां पर एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को नहीं लगता कि एक आम लोगों के बीच ये भ्रम है कि एक पार्टी 5 किलोमीटर पर कुछ है और 10 किलोमीटर के दायरे में वो उसके साथ है? खासकर दूसरा सवाल स्वाति मालीवाल का जो इशू आया है महिलाओं को लेकर, उसको लेकर लगता है कि लगातार आप घेरा जा रहा है कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी? देखिए, ये तो मैं जहां जहां जा रही हूं, मैं पंजाब में आई हूं, तो लोग यही बात कर रहे हैं, जायज बात है, बट मुद्दा क्या है, एम क्या है? बीजेपी को हराना। डेमोग्राफिक और ज्योग्राफिकली जो सिचुएशन है उनको मद्देनजर रखते हुए हम दिल्ली में साथ लड़ रहे हैं, चंडीगढ़ में साथ लड़ रहे हैं, पर जो हमारी वोट इक्वेशन है पंजाब में वो फेवर करती है कि हम लोग अगर अलग लड़ेंगे तो हम मजबूत हैं, हम स्ट्रांग हैं, और स्ट्रांगली हमें लोगों का समर्थन मिल रहा है। हमारे डिफरेंसेस नहीं है, हम गठबंधन में हैं। राहुल गांधी जी और अरविंद केजरीवाल जी की लगातार मीटिंग्स हुई है, आपने देखा भी, आम आदमी पार्टी के साथ हमें कोलिएशन में चल रहे हैं। इनफैक्ट दिल्ली में तो ऐसा होगा कि राहुल गांधी जी विल बी वोटिंग फॉर अरविंद केजरीवाल जी दिस टाइम, एंड अरविंद केजरीवाल जी विल बी वोटिंग फॉर कांग्रेस सिंबल। तो ये गठबंधन की खूबसूरती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, जनता का जब साथ हमें मिल रहा है और जनता इस चीज को स्वीकार रही है, तो हम उसी मॉडल के साथ हम लोगों के बीच में जाने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात, हमने महिलाओं की कही, स्वाति मालीवाल जी के साथ जो कुछ भी हुआ अभी तक उसकी कोई खुल के मेरे हिसाब से पूरी सच्चाई बाहर नहीं आई है, पर बीइंग अ वुमन आई फील अगर ऐसा कुछ हुआ है इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, ऐसा नहीं होना चाहिए था। शी इज अ रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ आम आदमी पार्टी एंड हाल ही में राज्यसभा भी गई है, इस चीज की जांच होनी चाहिए, पता लगाना चाहिए कि हुआ क्या क्या नहीं हुआ है। विजुअल्स आए हैं सीएम हाउस से, तो कुछ ना कुछ तो है वहां पर, खिचड़ी पकी है, तो जो सीएम हाउस जैसे सेंसिटिव जगह से आप विजुअल्स बाहर भेज रहे हैं, तो इस चीज की पूरी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और इंसाफ होएगा। महिला है, उनके साथ अगर कुछ गलत हुआ है उनकी आवाज सुनी जाएगी, और मैं जानती हूँ कि जल्दी इंसाफ मिलेगा उनको, उनकी पार्टी में भी और कमीशन द्वारा भी। लास्ट सवाल, शरद यादव की जो राजनीतिक विरासत है आप देख रही हैं, अलग अलग पार्टियां बनती हैं, वहां परिवारवाद को हमेशा बीजेपी भी ताना मारते हैं कि परिवारवाद को बढ़ावा है, आप कांग्रेस में शामिल हुई हैं, क्या आपको लगता आने वाले समय में क्या कुछ अलग से भी आपका है, या आपका परिवार को कहे कि अलग पार्टी बना के बिहार की राजनीति को फोकस किया जाए, या कांग्रेस में ही आप रहें?
देखिए राजनीति मैं सिर्फ अपने पिता के नाम पे नहीं कर रही, पहली बात मैं अपने पिता के सिद्धांतों पे कर रही हूँ। मैं चाहती तो डेफिनेटली मेरे पिता पहले भी हम लोगों को आगे कर सकते थे, लेकिन वो शुरू से ही इस नीतियों के खिलाफ थे और उन्होंने अपने परिवार को पीछे रखने का काम किया। हम लोग पब्लिक डोमेन लाइफ में भी तब आए हैं जब उन्होंने सक्रिय राजनीति से बीमार हो गए थे और फुली पार्टिसिपेटिव नहीं थे। तो ऐसा नहीं है कि घर की पार्टी है या घर के मेंबर्स को बढ़ावा मिल रहा है। मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का पार्ट हूँ, राहुल गांधी जी इज माय लीडर, आई फॉलो हिम एंड आई वर्क फॉर हिम। तो इस चीज को हम परिवारवाद से जोड़ के नहीं देख सकते हैं, और इस पार्टी ने मुझे प्रमोट करने का काम किया है। और जिस तरीके से राहुल गांधी जी का संबंध मेरे पिताजी के साथ था, वो उनको अपना राजनीतिक गुरु बताते थे और उनकी नीतियों से वो इम्प्रेस थे, तभी उनका इंक्लिनेशन भी इन मुद्दों पे गया है, जिन मुद्दों पे पहले कांग्रेस भी बात नहीं करती थी। आज उन मुद्दों पे सामाजिक न्याय पे कांग्रेस भी प्रखर तौर पर फ्रंट लाइन पर बात कर रही है। तो ये मेरे लिए भी एक ऐसा इंटरेस्ट का एरिया है जहाँ पे मैं अपने नेता के साथ मिलकर जनता के बीच में जाने का काम कर रही हूँ और इस मुद्दे को देश में लोगों को समझा रहे हैं कि किस तरीके से सामाजिक न्याय के रास्ते से ही आगे की सत्य का रास्ता खुलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। तो ये थे सुभाषिनी यादव, शरद यादव की जो बेटी हैं, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस का पार्ट है। राहुल गांधी पंचकुला आएंगे 22 को और बैकवर्ड क्लास जो संस्थाएं हैं उनका सम्मेलन में भाग लेंगे। और जिस तरह से बात की कि इस समय जो राजनीति है, क्योंकि चुनाव है 2024 के, लेकिन 4 जून को पता लगेगा कि बाजी किसके हाथ लगेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सनी सिद्धू के साथ उमेश शर्मा, न्यूज 18 चंडीगढ़।